चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है अनाम्य योजना, जो कि जनजातीय समुदाय से संबंधित है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, इस योजना की विशेषताएं क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसकी चुनौतियाँ क्या है आदि। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मिलकर जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए अनाम्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि जनजातीय समुदाय के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस योजना की विशेषताएँ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के हितधारकों के बारे में। इसके कई हितधारक हैं, जिसमें से मुख्य रूप से पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल है। इस योजनाओं के अगर उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है भारत के जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देना। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों द्वारा मिलकर काम किया जाएगा, एक साझा मंच उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि ये उद्देश्य को हासिल किया जा सके। इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय कई गतिविधियों में काम करेगा। सबसे पहले तो इससे संबंधित नीतिगत काम किया जाएगा। स्वास्थ्य में नीतिगत पहल करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना की जाएगी ताकि उस इलाके के लिए नीतियां बनाई जा सके, वो नीतियां ठीक से इम्प्लीमेंट हो सके और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति की निगरानी की जा सके। इसके लिए हेल्थ सेल्स की स्थापना की जाएगी। नीतियां और उसके बाद में उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य इन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। इसके बाद जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना को लागू करने के लिए प्रभावशाली तंत्र खड़ा किया जाएगा और ऐसी कई अन्य गतिविधियां भी इसमें शामिल की जाएगी। इस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करने के कार्य किए जाएंगे। अगर हम और बात करें तो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मिलकर टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए 2025 तक के लक्ष्य को निर्धारित किया है और इसमें जनजातीय तपेदिक पहल की शुरुआत इन्होंने की है ताकि जनजातीय समुदाय को इस बीमारी से मुक्त किया जा सके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस योजना के तहत काम कैसे किया जाएगा। अगर हम इस योजना की बात करें तो इसको सबसे पहले उच्च जनजातीय आबादी वाले 50 जिलों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि 6 राज्यों से संबंध रखते हैं। भारत के अंदर टोटल 177 ऐसे ज़िले हैं जो कि जनजातीय आबादी वाले ज़िले हैं। इन ज़िलों को केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने आदिवासी ज़िले का दर्जा दिया हुआ है। तो इन्हीं 177 में से 50 ज़िलों का चयन किया गया है जहां पर उच्च जनजातीय आबादी है, वहां इस प्रोजेक्ट को पहले लागू किया जाएगा। उसके बाद इन सभी 177 ज़िलों में इसको क्रम से शामिल किया जाएगा। इन ज़िलों में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएँ इस योजना के तहत स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कार्य करेंगी। इसके साथ ही इस योजना के तहत केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 10 साल की अवधि में मान्यता प्राप्त इन 177 आदिवासी ज़िलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएंगे। ये लक्ष्य जल्दी से जल्दी निर्धारित हो, इसके लिए जो तंत्र बनाया गया है उस तंत्र को विकसित करने के लिए सरकार बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी है। अभी अगर वहाँ इलाकों में बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया जैसी बीमारी से लोग यहाँ ज़्यादातर पीड़ित रहते हैं और इन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। अभी सरकार का वहाँ पर मानना ये है कि कोरोना महामारी के तहत भी कोरोना से संबंधित टीकाकरण इस इलाके में जनजातीय आबादी का भी हो सके, इसके लिए भी विशेष कार्य किया जा रहा है और इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है ताकि उनको इन सभी चीज़ों से विशेष रूप से बचाया जा सके।
इस इलाके के अंदर बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं जो कि हम इस स्लाइड में देखेंगे। हालांकि पिछले कुछ सालों से इन इलाकों में सरकार ने तमाम सुधार से संबंधित योजनाएं चलाई हैं, फिर भी उनको सफल करना बहुत मुश्किल है। इसका कारण है इस इलाके की गरीबी, वहां मृत्यु दर का ज़्यादा होना और बीमारियों के बोझ से वहां के लोगों का दबा होना, जिसकी वजह से इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब अभी तक प्राप्त करने में कठिनाई हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का उपयोग करते समय इन तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। इसमें स्थानीय समुदायों के बीच में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, साथ में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों का सांस्कृतिक माहौल भी अलग है और उसमें सांस्कृतिक अंतर भी है, यानी कि जिनको ये सुविधाएं दी जानी है और जो दे रहे हैं उन दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि भाषा के स्तर पर अंतर है। उसके अलावा इस इलाके में कर्मचारियों की कमी भी है और इलाज के दौरान इन लोगों को बुरे बर्ताव का भी सामना करना पड़ता है। भौगोलिक कठिनाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की भावना का भी अभाव है। ये सारी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाने के बाद ही अनाम्य योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही इससे संबंधित चुनौतियों की हमने बात कर ली है। इन सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा और इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश भी करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित सारे मुख्य टॉपिक्स पे हमने बात कर ली है। अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, अनाम्य योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनाम्य योजना की शुरुआत की है। कथन दो, पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस योजना में हितधारक है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो दरबार मूव से संबंधित है। इसमें पूछा गया था कि सत्य कथन कौन सा है। पहला कथन था, इसे 19वीं शताब्दी के अंत में जम्मू कश्मीर के महाराज रणबीर सिंह ने प्रारंभ किया था, और दूसरा कथन था, इसे 1872 में प्रारंभ किया गया है। तो ये दोनों कथन ही सत्य है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।